देखियो, तो जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे ऐसे लगातार विपक्ष के जितने भी लीडर्स हैं सब के ऊपर कार्रवाई एजेंसीज एक्टिव हो ही रही हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, झारखंड में देखा किस तरीके से हुआ। सर आपको लग है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, आपको लगता है कि ये इसीलिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में कहीं शराब घोटाला मामले में गड़बड़ है इसलिए ईडी पूछताछ करने की कोशिश में लगी हुई है? भाई बीजेपी अगर वॉशिंग मशीन ना होती तो अभी हम व्हाइट पेपर डिस्कस कर रहे थे लोकसभा में पिछले, तो उस डिबेट में खूब जिक्र था अशोक चौहान जी के भ्रष्टाचार का, कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कितना भ्रष्टाचार किया। और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी और 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया, राज्यसभा भेज दिया। तो ये वॉशिंग मशीन नहीं है बीजेपी की, तो क्या है? मोदी वॉशिंग पाउडर इतना कारगर है कि आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए और फौरन बिल्कुल बेदाग सफ़ेद झाग वाला एकदम स्वस्थ हो जाइए, सर क्लीन। किसानों सरकार की तरफ से बातचीत भी होनी है, आपको लगता है कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के आएगी और किसान फिर अपने अपने घर की ओर वापसी करेंगे? देखिए किसान, मुझे नहीं उम्मीद है, क्योंकि सरकार पॉजिटिव कुछ करना ही नहीं चाहती। भाई 3 साल हो गए, 2021 में वादा किया था सरकार ने ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो किसानों की मांगे हैं, ये कुछ भी नहीं किया। मजबूर होके कौन किसान, किसको खुशी लगी है कि वो अपना घर बार खेती बाड़ी छोड़ के दिल्ली में आएगा अपना एक ट्रैक्टर लेके ट्रॉली लेके अपना खेत छोड़ के? किसानों की सिंपल सी मांग है कि आप उनको उनकी लागत का 1.5 गुना आप MSP अनाउंस कर दीजिए, जो स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया था। आप स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न तो देते हैं लेकिन उनकी सिफारिशों को इंप्लीमेंट नहीं करते। आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो देते हैं लेकिन चौधरी चरण सिंह के सपने को साकार नहीं करते कि किसानों को उनका उचित दाम मिले उनकी फसल का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।